हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ और वीवीआई सम्स को करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इस सब आपको ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। एक बात और, मेरे यूट्यूब चैनल विजय सरदेवर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं इस तरह का वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। ताकि बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगले सवाल को करते हैं। जिन्होंने अब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरू से नहीं पढ़ा है वो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ढूंढें और शुरू से पढ़ लें, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से इनवर्स फंक्शन को समझ जाइएगा। तो ये बच्चों देखते हैं एक वीवीआई सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बच्चों, प्रूव दैट इफ ए ग्रेटर देन पाई बाय 4 एंड लेस देन पाई बाय 2 then prove that tan inverse 1 by 2 tan 2a, tan inverse 1 by 2 tan 2a plus tan inverse cot a plus tan inverse cot cube a बराबर 0। इसे बच्चों प्रूव दैट यहां काट दे रहे हैं। क्वेश्चन यहां शुरू होगा इफ से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन यहां शुरू है इफ से, tan inverse 1 by 2 tan 2a plus tan inverse cot a plus tan inverse cot cube a equal to 0 प्रूव करना, ठीक बच्चों ध्यान दीजिए। पहले बच्चों इन दोनों टर्म को लेते हैं, कुछ छोटा कर लेते हैं। tan inverse cot a plus tan inverse cot cube a, ठीक है। अब देखिए इसे बच्चों ए मानिए, इसे बी मानिए, इसे एक्स मानिए, इसे वाई मानिए। बच्चों आपको याद होगा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्रूव भी करवाए थे। क्या प्रूव कराए थे बच्चों? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या प्रूव था? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको x के यहां में पुट कीजिए, इसको y के यहां में पुट कीजिए इस फॉर्मूला में। तो क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स जहां पर x है वहां बढ़ाते हैं cot a, cot a, और जहां y है वहां क्या बढ़ाते हैं बच्चों? cot cube a by 1 माइनस एक्स वाई, x में बच्चों बढ़ाते हैं cot a और y में क्या बढ़ाते बच्चों? cot cube a। तो ध्यान दीजिएगा ये tan इनवर्स बच्चों यहां भी cot यहां cot cube, तो आराम से हम cot a एक कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन। यहां क्या बचा? 1 प्लस cot स्क्वायर a, तीन गो था एक तो कॉमन आया था, दो तो बचा 1 माइनस cot a और cot cube a, क्या बच्चों? cot to the power 4 a हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब गौर कीजिएगा सर, tan इनवर्स ये क्या है? cot a 1 plus cot square a, इसको लिख लेते हैं बच्चों 1 plus cot square a, ध्यान दीजिएगा सर। अब देखिए 1 minus cot power 4 a है, तो बच्चे इसको हम 1 माइनस लिख सकते हैं cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। 4 को हम लिख दिए cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और यहां भी 1 का स्क्वायर देते हैं, कोई दिक्कत आया फॉर्मूला में? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा? a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर a इंटू 1 माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा बच्चों। आराम से हम लिखते हैं 1 माइनस कॉट टू द पावर 4 ए बराबर क्या बच्चों? 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए इंटू वन माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना हम लिख दिए, हो गया। अब ऊपर नीचे झाका झाकी कीजिए, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ भी है, वन प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ भी है, इन दोनों टर्म को काट दिए बेरहमी से, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अब क्या बचा बच्चों, टेन इनवर्स ऊपर बच गया कॉट ए, और नीचे क्या बचा, वन माइनस कॉट स्क्वायर ए, वन माइनस कॉट स्क्वायर ए जो बचा उसको लिख दिए, काटने के बाद जो बचा उसे लिख दिए, ऊपर में कॉट है तो कॉट लिख दिए, नीचे में वन माइनस कॉट स्क्वायर ए से हम लिख दिए। ये कॉट बच्चों टी है, भूलिएगा नहीं, प्लस में सोचिएगा टी है, ये सब टी है, ठीक है। चलिए समझ गए, अब क्या करेंगे बच्चे, कॉट को हम चेंज कर देते हैं टेन में, ठीक है। चलिए चेंज कीजिए, टेन बहुत आसान, देखिए कॉट ए को ले सकते हैं वन बाय टेन ए, आराम से ले सकते हैं वन बाय टेन ए, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉट क्या होता है टेन का उल्टा होता है, टेन में पी बटे बी, तो कॉट में बी बाय पी, कॉट ए हो गया, इसको वन माइनस कॉट स्क्वायर ए इसको लिखते हैं, सॉरी कॉट था बच्चों, इसको टेन लिखेंगे, वन बाय टेन ए, वन बाय टेन ए, ठीक है। यहां भी कॉट स्क्वायर है, क्या बच्चों वन बाय टेन स्क्वायर ए, मतलब कॉट ए को चेंज कर दिए वन बाय टेन ए में, कॉट स्क्वायर लिख दिए वन बाय टेन स्क्वायर ए, इससे आप सहमत है कि नहीं, होना ही है क्योंकि फॉर्मूला होता है। आप बच्चों टेन इनवर्स ये आपका हो गया वन बाय टेन ए, अब ये हो जाएगा एलसीएम में क्या होगा, नीचे में टेन स्क्वायर ए, इसको बच्चों पलटा देते ऊपर में टेन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या होगा टेन स्क्वायर ए को वन से, टेन स्क्वायर ए माइनस वन, एक लाइन शॉर्ट की बच्चों, क्या हो गया टेन स्क्वायर ए माइनस वन, समझ गए क्या किया यहाँ पर, बोले तो वन बाय टेन लिख दिए, नीचे में क्या होता बटा देखिए, नीचे में होता टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर एलसीएम में क्या होता टेन स्क्वायर होता, और होता टेन स्क्वायर ए माइनस वन, तो एक लाइन को शॉर्ट किए, टेन स्क्वायर ए को ऊपर लिख दिए, टेन स्क्वायर ए को एक से किए, तो टेन स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर ए है और टेन ए है, तो एक हम तो टेन कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा टेन इनवर्स ए को टेन बचा पा रहा हूँ, स्क्वायर था टेन ए, टेन स्क्वायर ए माइनस वन, इसको लिख देते हैं बच्चों टेन स्क्वायर ए माइनस वन, इतना समझ गए हैं। यहां से यहां तक का वैल्यू क्या निकला, टेन इनवर्स टेन ए बटे टेन स्क्वायर ए माइनस वन। चलिए बच्चों आप लेते हैं एल एच एस को, ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए मिटाते बच्चों, आराम से समझिए, एक बार हो जाएगा, हटाइएगा नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। आप देखिए लिखते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है बच्चों ये इतना, इसको लिखते हैं पहले टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वन बाय टू टेन टू ए प्लस, अब यहां से यहां तक का बच्चों हम वैल्यू निकाल देते हैं, यहां से यहां तक का क्या निकाले हैं, जो निकाले हैं उसको लिख देते हैं, क्या निकाले हैं टेन इनवर्स टेन ए बाय, यहां टेन स्क्वायर ए माइनस वन लिख दिए बच्चों, टेन स्क्वायर ए माइनस वन। चलिए इसको मिटाते हैं, आप ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, वन बाय टू टेन टू ए का फॉर्मूला याद है कि नहीं, नहीं याद देखिए किस विभाजन हो रहा है, टू टेन ए बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए, याद आया स्वराज, याद आ गया ना, ध्यान दे गया आ रहा हो, याद आ रहा कि नहीं फॉर्मूला, ठीक है। तो टेन टू ए फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन ए बाय वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस, ये क्या बच्चों टेन इनवर्स, ये हो गया टेन ए, देखिए बच्चों टेन स्क्वायर माइनस वन है ना, यहाँ वन माइनस टेन स्क्वायर यहाँ उल्टा है, क्या करते हैं बच्चों माइनस कॉमन लेते हैं, हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
माइनस हम कहीं लेकर फर्क नहीं पड़ता है, आप शायद माइनस यहाँ भी सकते हैं ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। टू टू क्या होगा, कट गया, टेन इनवर्स टेन ए बाय वन माइनस टेन स्क्वायर। अब देखिए टेन इनवर्स माइनस थीटा, पूरा को थीटा मानिए, टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन इनवर्स क्या है, टेन ए बाय वन माइनस टेन स्क्वायर। जो चीज इधर प्लस में है वही चीज यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, कट गया, क्या कर चुके जीरो, यही अगर प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो बच्चों मुझे विश्वास है आप लोगों ने इस इम्पॉर्टेंट सवाल को सीख लिया होगा, इंजॉय भी किया होगा। एक बात और, इन सभी सवालों को जितना मैं बताता हूँ कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और बार बार बच्चों से प्रैक्टिस कीजिएगा जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाए, जब तक आपका कंपिटिटिव एग्ज़ाम ना हो जाए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, लव यू स्टूडेंट्स।